रामनवमी के मौके पर मुल्क भर में हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं, जिनके दौरान तशद्दुद के वारदात पेश आए। इस तशद्दुद को कॉन्स्पिरेसी कह रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पॉपुलर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद। ये क्या कॉन्स्पिरेसी है सर? देखिए, ये जो वायलेंस हुए हैं इसको रैंडम इंसिडेंट नहीं समझना चाहिए। पूरे इंडिया में एक ही स्टाइल से वायलेंस हुआ है। आप देखिए, एक ही स्टाइल से रैलीज हुए, एक ही स्टाइल से वहाँ पर आप देखते हैं कि वेपन्स को लेके जाकर पब्लिक डिस्प्ले किया गया, एक ही तरीके से डीजे और सेम टाइप के स्लोगन और सेम टाइप के सॉन्ग्स को प्ले किया गया। उसके बाद विद इन वन आवर हम देखते हैं स्पेसिफिकली मुस्लिम शॉप्स को टारगेट करके जलाया गया। एक घंटे के अंदर इतना सब काम किस तरीके से हो सकता है? एक बहुत सारे दुकान रहते हैं, उन दुकानों में आप स्पेसिफिकली मुस्लिम शॉप्स को आइडेंटिफाई करके जलाते हो, ये ऐसे ही नहीं होता। पूरे दुकानें बंद थी, आपको कैसे पता कौन सा शॉप मुसलमान का कौन सा शॉप हिंदू का? वो इसलिए होता है क्योंकि प्री प्लान्ड किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, फ्यूल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पर लाए गए थे इसको जला इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए। तो इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है और उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे आरएसएस है, जिसने हिंदू फेस्टिवल को मिसयूज़ किया है, हाईजैक किया है। इससे पहले भी बहुत सारे रामनवमी फेस्टिवल होते थे, कभी भी दंगे नहीं होते थे। इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे संघ परिवार आरएसएस है। इसमें अब जो है हम देखते हैं कि अपोजिशन जो है, चाहे वो पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा हो या फिर स्टेट असेंबलीज हो, अपोजिशन का रोल कैसे देखते हैं इन तशद्दुद के दौरान? अपोजिशन से हम बहुत मायूस हैं क्योंकि अपोजिशन का रोल सिर्फ इलेक्शन के टाइम मुसलमानों का वोट मांगना नहीं होता। अपोजिशन का वोट जब भी यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के हक़ को छीने जाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हक़ के लिए बात करना भी होता है। कहाँ पर है अपोजिशन? आप देखते हैं बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेशनल लीडर्स ट्वीट करते हैं, प्यार की मोहब्बत की ट्वीट करते हैं। अब प्यार मोहब्बत की ट्वीट की ज़रूरत नहीं है, अब आपको रस्ते में आना पड़ेगा। जब आरएसएस इतना बड़ा एक कम्युनल कैंपेन इंडिया में चला रहा है, आप ऐसा एक सेक्युलर कैंपेन क्यों नहीं चला सकते? आप अभी भी चाहते हैं मुसलमान खामोश रहें, मुसलमान अपने बारे में बात नहीं करें? जब मुसलमानों पर अटैक हो रहा है और मुसलमान बोल रहे हैं हम पर अटैक हो रहा है, तब यही सेक्युलर पार्टी आकर हमसे कहते हैं खामोश रहो, पेट्रोल डीजल के बारे में बात करो। तो ये सेक्युलर पार्टीज़ का जो एक डबल स्टैंडर्ड है, इसको भी एक्सपोज करना है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, कि जिस तरीके से आरएसएस मुस्लिम कम्युनिटी के छाती पर खंजर डाल रहा है, ये सेक्युलर पार्टी हमारे पीठ में खंजर डाल रहे हैं। सर, अभी जैसा आपने बताया कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है मुल्क भर में, कंसर्टेड एफर्ट्स हैं मुसलमानों पर तशद्दुद करने के, तो क्या आपको लगता है कि ये जेनोसाइड की तरफ एक इशारा है, जेनोसाइड की तरफ एक पहल है? 100% जेनोसाइड की तरफ है। अगर आप देखते हैं जेनोसाइड के अंदर 10 स्टेजेस होते हैं, जो जेनोसाइड वॉच नाम की एक संस्था ने इसके बारे में बताया है और उन्होंने ये एसएसपी किया है इंडिया के अंदर 6-7-8 स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो एक जेनोसाइड का जो एक लेवल में ये लोग जा रहे हैं, ये उसी की एक काम चल रही है। इससे पहले जो हरिद्वार में जो स्पीचेस हुए थे, वो स्पीचेस में भी ऐसा ही बताया गया था कि मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली टारगेट करो। कर्नाटक में भी हमने देखा, अलग अलग स्टेट्स में देखा। तो ये एक जेनोसाइड इन मेकिंग की तैयारी है हिंदू कम्युनिटी के अंदर एक हेट कैंपेन को फैलाने के लिए, और कल जाके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कुछ भी हो, जो भी कत्लेआम हो, किसी को भी उससे फ़र्क ना पड़े, ऐसा एक माहौल बनाने का काम चल रहा है। ये जो आपने विक्टिमाइजेशन की बात की और बताया कि लीगल एड जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो इलीगल सो कॉल्ड इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं पुलिस की जानिब से, इसके ताल्लुक से क्या इकदाम? देखिए, स्पेशली मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली टारगेट करके मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि लोग राइटर्स हैं। नंबर वन, ये किसी कानून से नहीं हो रहा है, किसी भी लॉ प्रोसेस से नहीं हो रहा है। ये वहाँ की गवर्नमेंट को एक एंटी मुस्लिम नफरत के तौर पर अपने आप को एक योगी के बराबर करने के लिए शिवराज चौहान इस तरीके का एक काम वहाँ पर कर रहा है। दूसरा, हम पूरे इंडिया के अंदर देख रहे हैं मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों की दुकानें लूटे गई, मुसलमानों पर अटैक हुआ और इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल एड की ज़रूरत है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम इन सब जो विक्टिम्स हैं उनको हम लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अब ये जिस तरह से जो है ये रामनवमी के रैलीज हुए हैं, इसके बाद और भी फेस्टिवल्स आने हैं, तो ये मुमकिन है कि इस तरह के वारदात फिर से रिपीट किए जाएँ? तो इस सिलसिले में सवाल ये उठता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से क्या कोशिशें होंगी इन वारदात को, अनटुवर्ड इंसिडेंट्स को रोका जा सके, या फिर जो विक्टिम कम्युनिटी है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए? देखिए, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैंपेन अभी चलाने वाले हैं, जिसमें हम जाकर मुस्लिम कम्युनिटी के सामने जो हालात हो रहे हैं उसके बारे में उनको बताएंगे। सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं बताएंगे, इसके नीचे के जो डायनामिक्स हैं वो उनके सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी क्या है उसको भी हम एक्सपोज करेंगे, उनके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ ऐसा जब क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस को कोई बाहर वाला आकर आपकी मदद नहीं कर सकता, लोकली आपको इसी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए तैयार होना होगा। वैसे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या करना है उसके बारे में भी हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनीस अहमद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। उनका कहना है कि रामनवमी के दौरान जो रैलीज निकाले गए थे हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है
साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के जेनोसाइड की तरफ एक पहल है। इस सिलसिले में उनका कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्कगीर मुहिम चलाई जाएगी कि मुसलमानों में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।